हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत करता हूँ चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो को थ्रू हम बात करने जा रहे हैं कैप के बारे में, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मालूम है कि ये कैप होता क्या है, और बहुत सारे लोगों को अभी भी मालूम नहीं है कैप क्यों क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। लेकिन दोस्तों, इसका जो है बहुत सारे बवाल मचा रहा है, बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है इसका अगेंस्ट। और ख़ास करके मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो वहाँ का लोग जो है दिन रात इसका ही प्रोटेस्ट कर रहा है, इसका ही विरोध कर रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को तो मैं पूरा पूरा डिस्क्राइब करूँगा कि क्या होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। उसका देखिए, उसका मैं प्रिंट आउट लेके आई है दोस्तों, यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि क्या होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का पूरा लिस्ट यहाँ पर प्रिंट आउट करके लेके आया हूँ दोस्तों। यहाँ से मैं जो भी बता रहा हूँ, मैं अपना खुद नहीं बता रहा हूँ, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल जो बता रहा है मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, इस कैप का मतलब ये होता है दोस्तों, यानी इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का मतलब ये होता है कि कोई हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, फारसीस या सिख, ये सिख धर्म की कोई भी लोग अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से 2014 की 31 दिसंबर से पहले इंडिया पर आई थी, तो वो जो है वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे कोई भी वजह से आई थी, चाहे वो वीज़ा ले कर आई थी या वीज़ा छोड़ के आई थी, या कोई भी वजह से, कोई काम की वजह से, काम के सिलसिले पर आई थी, लीगली हो या इलीगली हो, अगर 2014 की 31 दिसंबर से पहले इंडिया पर आई थी और वो एक सिख धर्म, जो मैं बताया सिख धर्म की कोई भी एक धर्म के लोग हो और वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आई है, तो वो जो है वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं और इसका सिटीजनशिप मिलेगा। ये बिल में, ये जो इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, इस बिल के दौरान यही आपको बताया दिया जा रहा है दोस्तों। ये बिल जो है ये आज के नहीं, ये बहुत पहले से ही आप लोगों को मालूम होगा कि 1955 में ये बिल तैयार किए गए था। 1955 में ये बिल तैयार की गई थी, वो उस वक्त ये बिल ऐसा नहीं था। उस वक्त ये था कि कोई बंदा, कोई लोग अगर फॉरेन कंट्री से देश पर, इंडिया पर आती थी, तो उनको जो है जेल में भेज दिया जाता था विदाउट वीज़ा अगर आती थी दोस्तों। ये बिल अब ये से कुछ रूल्स कुछ नया ऐड की गई है, और ऐड करने के बाद ये जो बिल होता है, इस बिल का नाम दी गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये दोस्तों, इसके बिल का यही मतलब है कि कोई बंदा हिंदू, अगर वो हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, फारसीस और सिख, इस सिख धर्म की कोई भी लोग अगर हिंदू, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से 2014 की 31 दिसंबर से पहले इंडिया पर आई थी, चाहे कोई भी वजह से, तो वो अगर इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर करे, तो उसका जो है इंडियन सिटीजनशिप उसको मिलेगा। इस बिल के दौरान यही आपको बताया दिया जा रहा है दोस्तों। ये बिल लेके अगर हम बात करें तो वो खास करके नॉर्थ ईस्ट में इतना ही प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या बताओ दोस्तों। मैं उसी का हूँ, नॉर्थ ईस्ट की, मैं गुवाहाटी से हूँ, और गुवाहाटी में इतना प्रोटेस्ट हो रहा है दोस्तों कि रात दिन रात सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यहाँ तक सिर्फ प्रोटेस्ट ही हो रहा है दोस्तों। आज 3 दिन से यहाँ पर ना कोई दुकान खोल पा रहा है, ना कोई गाड़ी चला रहा है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर प्रोटेस्ट ही हो रहा है। तो यही थे कि आपकी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की असली डिस्क्रिप्शन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने अपने दोस्त के साथ, और इसी तरह आपकी नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, खुदा हाफिज़।